मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुप्रियाज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा जा रहा है आपका आज का दिन? मेरा पता नहीं कैसा जाने वाला है, वैसे अच्छा जाने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ मिलने अपने दोस्तों से, यानी कि कंफर्ट जोन। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है यही प्लान है, 1:30 बजे निकलना है। 2 घंटे है, 2 घंटे में मुझे सारा काम निपटाना है। मेड काम करके जा चुकी है और अभी मुझे शावर लेना है और इसके साथ साथ मुझे करना है फ्रिज क्लीन, क्योंकि रात को मैंने डीप फ्रोज किया था। मेरे पास छोटा फ्रिज है तो फ्रिज क्लीनिंग की ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपने फ्रिज को क्लीन करती हूँ। लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ मैट्स उसके लिए। एक्चुअली मैंने वो अमेजोन से मंगवाए थे, अगर मुझे उसका लिंक मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अदरवाइज नहीं तो ऐसे कुछ मिलते जुलते मैं और डाल दूंगी अगर सेम नहीं मिला तो वो डाल देती हूँ। और कपड़े धोने हैं, लेकिन कपड़े मैं वापस आने के बाद धोऊंगी क्योंकि ऑलरेडी कल जो वॉश किए थे वो भी नहीं सूखे हैं। कल हल्की फुल्की बारिश थी, मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। इवन रात को मैंने पंखे के नीचे डाले थे लेकिन हल्के फुल्के मुझे अभी भी गीले लग रहे हैं, तो अभी उन्हें बाहर दोबारा से धूप में निकाला है। आज धूप निकली हुई है तो कर लेते हैं फटाफट से फ्रिज क्लीन, देन आपसे बात करती हूँ। कर रही हूँ अपने फ्रिज को क्लीन, और ये वाले मैट्स जो है ये मैं अमेजोन से मंगवाए थे थोड़ा टाइम पहले, अभी शायद ये अनअवेलेबल हैं या आउट ऑफ स्टॉक हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे कुछ चाहिए लैमिनेटेड फ्रिज कवर्स, तो फ्रिज शीट्स तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो अभी जस्ट इसे क्लीन कर रही हूँ, तो चलिए फटाफट से क्लीन कर लेते हैं। जा रही हूँ उसे पीछे लगाने के लिए, इसमें पानी जो है वो स्टोर होता है जब भी यहाँ से डीप फ्रोज करते हैं तो अभी से फटाफट से लगा कर देन मैं फ्रिज के ऊपर मैंने कॉलिन ऑटोमेटिकली लगा दिया है। तो फ्रिज के ऊपर मैंने कॉलिन ऑटोमेटिकली लगा दिया है तो अब ये थोड़ा थोड़ा मेल्ट होता रहेगा जितनी भी गंदगी है, फिर मैं इसे कपड़े से जो है वो रिमूव कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल इसे फटाफट से लगा कर आती हूँ। ये हो चुका है मेरा फ्रिज जो है वो एकदम क्लीन, यहाँ पे मैं असेंबल कर चुकी हूँ इसे।
और ये बंद हो रहा है तो फटाफट से बंद कर लेते हैं और फटाफट से शार ले लेते हैं, देन मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। मैंने मंगाया है बिग बास्केट से थोड़ा सा सामान, तो यहाँ पर मैंने मंगाए हैं चिकन नगेट्स और समोसाज मकई का, और 4 टेट्रा पैक मंगाए हैं अमूल मस्ती के। फ्रूट्स में मंगाया है कीवी, पता नहीं कैसा निकलेगा, फ्रूट को भी ट्राई नहीं किया है। चिकन ब्रेस्ट है और इसमें जो है एप्पल्स हैं, इसमें मौसमी है, ये क्या है, ये कद्दू है रेड वाला, और यहाँ पर ये बिल पड़ा है, ये पड़ा है ये मटर मंगाए हैं, मटर के बाद आपको क्या कहते हैं ये घिया मंगाया है, घिया पुनीत ने बहुत ज़्यादा मंगा दिया है, भिंडी मंगाई है, खीरे मंगाए हैं, और यहाँ पर केचप मंगाई है, पीलर हमें फ्री मिला है यहाँ पर इनके साथ, और इसके साथ साथ ये क्या है, ठीक है, छल्ली मंगाई है, एक ही मंगाई है क्योंकि बड़ी बड़ी ख़राब हो जाती है तो, और ये थोड़ी बहुत कुकीज़ और केक्स वगैरह मंगाए हैं, बस यही थोड़ा बहुत सामान मंगाया था, 1300 का कुछ बिल बना था, तो ये सामान था मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेना चाहिए। जैम भी मंगाई है, तो अभी फटाफट से मैं बात लेकर आती हूँ, देन आपसे बात भी काम ख़त्म करके अब मैं जा रही हूँ नीचे, ऊबर मैंने बुक कर दी है तो अभी निकलते हैं फटाफट से, चाबी मेरे हाथ में है, मुझे लगा आप लोगों को अपडेट करना ज़्यादा सही रहेगा। आज जो लिफ्ट है वो ख़राब है, वैसे भी मैं स्टेयर्स लेती हूँ, लिफ्ट कम होती, तो फटाफट चलते हैं, ऑटो वाला नीचे कर रहा है वेट, तो मिलती हूँ आपसे नीचे जाके। सो ऑटो का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में ऑटो आता है, 5 मिनट लिखा था और 3 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देखते हैं। सो गाइस मैं अभी वेट कर रही हूँ ऑटो का, मुझे अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 मिनट और चुके हैं, वो बारी बारी यही दिखा रहा है 5 मिनट में पहुँच रहा है, और मैं उसे कॉल कर रही हूँ तो कॉल भी नहीं पिक कर रहा है, सो अच्छा इडियट पता नहीं कहाँ से आ रहा है, तो चलिए मैं 1 मिनट में दोबारा उन्हें ट्राई करती हूँ अगर फ़ोन लेता है तो। सो गाइस अभी मैं पहुँची हूँ कंफर्ट जोन और जा रही हूँ, मैं फ्लैट नंबर ही भूल गई थी, ऑटो वाला बोलता चार्ज काटता है ही नहीं, गार्ड बोलता है एक्चुअली, हाँ सुबह सही बस ऐसे ही हो रहा है। सो गाइस मैं आ गई थी घर बहुत जल्दी, एक्चुअली थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई, वहाँ पे भी मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होते आप लोगों से कैमरा के सामने, तो और मिले भी हम बहुत दिनों बाद थे, तो इसीलिए ज़्यादा मैंने भी उन्हें फ़ोर्स नहीं किया और ना ही मैं किसी को फ़ोर्स भी नहीं कर सकती, चाहे कोई भी हो, पुनीत भी, कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि आप पुनीत को नहीं लेके आते, आपके हस्बैंड नहीं व्लॉग्स में आते, तो मैं नहीं लेके आ सकती क्योंकि ये काम मेरा है, मेरे हस्बैंड का नहीं है, मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर सकती, ना ही अपने फ्रेंड्स को ना अपनी फैमिली को, क्योंकि ये काम मेरा है और मुझे करना है, तो जो आना चाहता है मैं एक बार पूछती हूँ, अगर नहीं आना चाहता तो मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकती, तो इसीलिए, और वैसे भी उनके पास टाइम नहीं होता, वो सुबह के गए रात को आते हैं, और फिर भी मैं उन्हें बोलूँ कि तुम मेरे काम में भी घुसो तो मैं ये सब नहीं कर सकती, आई होप आप समझ सकते हैं, तो जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, उन्हें लेकर आती हूँ, जितना शूट कर सकती हूँ उतना मैं शूट भी करती हूँ आप लोगों के लिए, अदरवाइज़ मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहती, आशा करती हूँ आप समझेंगे। तो अभी फ़िलहाल हो रहे हैं 7:30, मैं बहुत जल्दी गई थी, मैं अराउंड 4 बजे आ गई थी और फिर मैं राखियाँ लेने चली गई, अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ, और अभी मुझे जाना है खाना बनाने, और आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू, और साथ में कोई दाल बनाती हूँ, देखती हूँ कौन सी दाल बनानी है, तो अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। गाइस आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं कल रात ब्लॉग एंड करना भूल गया था क्योंकि भूल गई थी, कभी कभी जब मैं लाड में होती हूँ मैं इस तरीके से ही बात करती हूँ, और बाल देखिए कल शाम पे मैंने हेड वॉश किया था तो इस वजह से ये बाल ऐसे हो रहे हैं, तो ब्लॉग को मैं एंड करना भूल गई थी, तो खाना वगैरह बन गया था, उसके बाद मैंने एडिटिंग किया लाइफस्टाइल वाले व्लॉग को, ऑनलाइन शॉपिंग में जो जो सामान मैंने ख़रीदा था, तो वो व्लॉग आपको कल मॉर्निंग में लाइव मिल जाएगा, और ये एक दिन बाद मिलेगा क्योंकि इसको एडिट अभी आज करूँगी मैं, तो अभी फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, बहुत बड़ा व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि टाइम भी नहीं था, और दूसरा
इतना कुछ खास था भी नहीं, तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।